उदाहरण 34, 2x प्लस 5 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हम मान लेते हैं कि समाकलन i है, माना i बराबर है इंटीग्रल 2x प्लस 5 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। हमने समाकलन को i के बराबर मान लिया। अब यहां ये है पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अंडर रूट इंटीग्रल डीएक्स। इस रूप का यहां हमें समाकलन मिला है। तो यदि मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका अवकलन करूं, वो मुझे अंश में बनाना चाहिए। इसके लिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये मुझे यहां मिला है अंडर रूट के नीचे, तो मुझे इसका अवकलन क्या होगा 2x प्लस 3, इसका अवकलन 2x प्लस 3 होगा। ये मुझे अंश में बनाना चाहिए। तो 2x प्लस 5 यहां लिखा हुआ है, तो मैं इसको 2x प्लस 3 प्लस 2 इस रूप में लिख सकता हूं। तो ये हो गया इंटीग्रल 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डीएक्स। ये हमें मिलता है। इसका जो यहां लिखा हुआ है अंडर रूट के नीचे, इसका अवकलन मैंने यहां प्राप्त कर लिया है। तो एक हिस्सा तो ये हो गया अवकलन का, दूसरा हो गया ये वाला जो कि 2 से भाग लगाने से मिलता है। तो आई वन तो हमारा क्या हो गया, आई वन तो हो गया इंटीग्रल 2x प्लस 3 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डीएक्स। ये तो मेरा हो गया आई वन। आई टू को मैं यहां लिख देता हूं, इसको तो मिटा दे। आई टू मैं यहां लिख देता हूं, आई टू बराबर है इंटीग्रल 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx, ताकि i बराबर i1 प्लस i2 है, i बराबर i1 प्लस i2 हमारा है, यह हमारा है। i1 मैंने यहां ले लिया है, i2 मैंने यहां ले लिया है। अब दोनों की गणना करता हूं, दोनों को परिकलन करता हूं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यदि मैं इसको t मान लूं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को मैं t मान लूं, तो dx मेरा 2x प्लस 3 dx, ये dt के बराबर होगा। अर्थात मुझे 2x प्लस 3 dx यहां मिल ही रहा है, इसीलिए मैंने इस काम को किया है। तो ये मान कितना हो जाएगा, i1 का मान हो जाएगा इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट t, ये अंडर रूट t है तो t की पावर 1 बटा 2, मान कितना हो गया t की पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटे माइनस 1 बटा 2 प्लस 1। एक्स की पावर n का यदि हम एक्स की पावर n का समाकलन करें एक्स के सापेक्ष, तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होता है। सी हम दोनों का एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो गया t की पावर 1 बटा 2 बटे 1 बटा 2, अर्थात 2 अंडर रूट t। तो t हमारा ये, तो इसलिए i1 बराबर मैं यहां लिख लेता हूं, I1 बराबर हमारा है 2 इंटू अंडर रूट टी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सी मैं दोनों का समाकलनों का एक साथ लिख दूंगा, ये हमारा I1 का मान आ गया। अब हम I2 को देखते हैं, तो 2 तो मैं यहां से बाहर ले लेता हूं, तो मैंने समाकलन के बाहर ले लिया एक बटा इतना, पुनः इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाते हैं। तो मैं इधर से इसको मिटाता हूं, इधर से मैंने इसको मिटा दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका मैं अब पूर्ण वर्ग बनाता हूं। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, तीन लाना है यहां तो तीन बटा दो लिखना पड़ेगा,
तीन बटा दो का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, प्लस एक यहां पहले से है और तीन बटा दो का स्क्वायर मैंने घटा दिया, ये मुझे मिलता है। मान कितना हो गया, और पूर्ण वर्ग बन चुका है यहां से यहां तक, एक्स प्लस तीन बटा दो का होल स्क्वायर माइनस, इसको कैलकुलेट कर ले, वन माइनस नाइन अपॉन फोर, कितना हो गया, चार तो हो गया लघुत्तम, ये मान हो गया एक, चार माइनस नौ माइनस पांच बटे चार, माइनस पांच बटे चार, इस प्रकार से हमें मिलता है। अब ये मान माइनस पांच बटे चार जो है, ये मैं इसको इस रूप में लिख देता हूं, अंडर रूट पांच बटे दो का होल स्क्वायर, ये हमारा मान आ गया। अर्थात आई टू का मान हो गया दो इंटीग्रल एक बटा अंडर रूट एक्स प्लस तीन बटा दो का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट पांच बटा दो का होल स्क्वायर डीएक्स, ये हमारा आई टू का मान होगा। अब देखो ये किस रूप में है, ये हमारा सूत्र कौन सा अप्लाई हो सकता है, सूत्र हमारा होगा इंटीग्रल एक बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। हमारा सूत्र क्या है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये वाला हमारा सूत्र यहां पे प्रयोग में आएगा, दो इंटू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस तीन बटा दो प्लस अंडर रूट, अंडर रूट इसको लिखना है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैं ये लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक प्लस सी, सी दोनों का एक साथ लिख देंगे, ये हमारा आई टू का मान आया। तो आई बराबर है आई वन प्लस आई टू, इसलिए आई बराबर क्या हो गया, दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक प्लस आई टू लिख दिया, दो इंटू लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस तीन बटा दो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक प्लस सी, दोनों समाकलनों का अचर मैंने एक साथ लिख दिया प्लस सी, ये हमारे अभिष्ट समाकलन का मान होगा।